सभी को सुप्रभात। मैं शिषपाल में हिंदी सामान्य हिंदी के अंतर्गत आज हम चर्चा कर रहे हैं केदारनाथ अग्रवाल। इनकी कविता है मैंने उसको जब जब देखा और दूसरी कविता है इनकी यह धरती है उस किसान की। इस पर आज हम इनकी सहप्रसंग व्याख्या करेंगे। व्याख्या करने से पहले जैसे कल बताया था, जो आपको यहाँ वीडियो के माध्यम से करवाया, युग्म शब्द करवाए, शुद्ध शब्द करवाए, मुहावरे, संक्षिप्तीकरण, पलवन, ये जितने भी करवाए उसको गहराई के साथ अध्ययन करना। जैसे कर्त कर्त अभ्यास जड़मती होई सुजा अंधश्री आवत जात से सिर पर पर्त निशान, ये किसकी रचना है, सॉरी ये इसका पलवन करना हो तो किस प्रकार से हम इसका विस्तारित रूप करेंगे। तो बार बार अभ्यास करने से जड़ वस्तु भी क्या हो जाती है, चेतन हो जाती है। जिस प्रकार से कुएं पर बना हुआ चबूतरा जो पत्थर का बना होता है, बार बार रस्सी का घर्षण होने से उस पर लकीरें बन जाती है, इसी प्रकार अभ्यास करने से हमें जो जिस चीज की हमें इच्छा होती है उसी चीज की हमें प्राप्ति हो जाती है। ये पलवन थे शुद्ध शब्द, जैसे आपको बताया मैत्री शरण गुप्त कैसे लिखा जाता है, सन्यासी, नीति काल, वाल्मीकि, ये किस प्रकार से लिखे जाते हैं, तो इसको अच्छी तरह से आप अपने जो रजिस्टर है उसमें अंकित करें और जो आपको बताया जाए उसके अनुसार आप चलें। तो चलें आगे। मैंने उसको जब जब देखा। आगे क्या बताया है, लोहा देखा, लोहे जैसा तपते देखा, बलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोले जैसे चलते देखा। छोटी सी कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने मेहनत कश श्रमिक जो श्रमिक है मेहनत करते हैं श्रमिक उस पर प्रकाश डाला है, उसके जो कठोर कार्य करते हैं और अपने कार्य के बल पे कभी हार नहीं मानते, अपने उसी साथ हार नहीं मानते हुए आगे प्रगति के रास्ते पे आगे चलते हैं, उस पर यहाँ मेहनत कश श्रमिक कड़े से कड़ा काम करने और अधिक से अधिक श्रम करने की क्षमता रखते हैं, उसका वर्णन यहाँ किया गया है। कवि ने स्पष्ट सामाजिक क्रांति का वाहक कौन होते हैं, श्रमिक होते हैं। कवि ने बताया कि सामाजिक क्रांति के जो वाहक हैं वो कौन है, श्रमिक है। इस कारण वो तपते हैं, गलते हैं और गोली की तरह चलते हैं, इतनी उसमें क्या होती है, ऊर्जावान होते हैं। यहाँ कवि ने श्रमिकों के प्रति मानवीय संवेदनाएं व्यक्त की है। तो कवि ने कहा है कि मैंने उसको जब जब देखा। यहाँ किसकी चर्चा हो रही है, श्रमिकों की यहाँ चर्चा हो रही है। मैंने उसको जब जब देखा, लोहा देखा, लोहे जैसा तपते देखा, गलते देखा, डलते देखा, मैंने उसको जब जब देखा। फिर आया आगे, मैंने उसको गोली जैसा चलते देखा। छोटी सी रचना में इस रचना में गहरे भाव लिए हुए हैं। तो कवि ने यहाँ बताया है, कथन है कि मेहनत कर श्रमिक होते हैं, उसको मैंने देखा कि लोहे के समान मजबूत शरीर वाले, लोहा देखा, जैसे लोहा देखते हैं कठोर होता है, इसी प्रकार उनका जो शरीर है वो क्या है, कठोरता लिए हुए है। और फिर आगे बताया कि लोहा देखा तपते देखा, लोहे को गर्म करते हैं और अग्नि के सामने उसको सामना करना पड़ता है, अपने आप का समर्पण करना पड़ता है। तो बताया है लोहा जैसा देखा, मैंने उसको जब जब देखा। तो कहते हैं लोहे के समान तपते हुए, कहने का भाव गर्मी की, जब गर्मी होती है, जून जुलाई का महीना होता है, खेतों में मेहनत कर ये श्रमिक होते हैं, अपने आप को लोहे के समान क्या बनाते हैं, कठोर बनाते हैं, लाल होते हैं, लोहे के समान तपते हैं श्रमिक, जो श्रमिक है अपने परिश्रम करते हैं। फिर बताया कि इनका जो शरीर है, शरीर में दोपहर के समय गर्मी
में इनके पसीना बहता है और बहते कार्य के प्रति फिर अपने लगन के साथ निष्ठा के साथ कार्य करते हैं। तो बताए लोहा जैसा देखा तपते देखा गलते देखा, अपने आप को खपा देते हैं उस मिट्टी में। कहते हैं ना, अगर मर्तबा चाहे तो मिटा दे अपनी अस्थि को। ये अपनी अस्थि को कहाँ मिटा देते हैं? उसी भूमि में, उसी मिट्टी में मिला देते हैं। तो आज क्या बताया कि गलते देखा डलते देखा, उसी में क्या डल जाते हैं, उसी में लीन हो जाते हैं मिट्टी में, अपने आप को खपा देते हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर मर्तबा चाहे तो मिटा दे अपनी अस्थि को, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। जिस प्रकार से दाना मिले अपने मिट्टी में दबता है तो फिर जाके हम अंकुरित होता है, अपने आप का अस्तित्व मिटाता है। इसी प्रकार ये जो श्रमिक होते हैं ये अपना अस्तित्व मिटा देते हैं। अपने ये मेहनतकशी क्या लोग होते हैं, अपने हाथों में आया हुआ कार्य को उसी शांति में ढाल लेते हैं। क्या डालते हैं? उसी शांति में डाल लेते हैं या उसका पूर्ण रूप अपने आकार में दे देते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ मेहनत का श्रमिकों की जो स्फूर्ति है वो कैसी है कि मैंने उसको बोली जैसा देखा, उनकी स्फूर्ति उसमें इतनी चेतना उतनी स्फूर्ति होती है कि जैसे बंदूक से निकली हुई गोली हो। इसी प्रकार ये अपने आप को क्या पाते हैं, अपने आप को स्फूर्ति पाते हैं, आलस्य इनमें छू ही नहीं पाता। तो कहते हैं ये आलस्य से क्या रहते हैं, सदैव आक्रांत रहते हैं और सदैव कार्य के प्रति क्या रहते हैं, जागरूक रहते हैं। तो आया है ना, मैंने उसको बोले जैसे चलते देखा, तो बोले जैसे चलने का से आलस्य इनको छू ही नहीं पाता। अपने आप ये गोली की बांति सदैव मेहनतकश श्रमिक है, ये कार्य में लीन रहते हैं। अपने आप को उसी, चाहे कार्य कैसा ही हो कठोर, उसी को अपने शांति में ये क्या कर लेते हैं, डाल लेते हैं। और फिर बताया कि गोली जैसा चलते देखा डलते देखा, उसी को अपने अनुरूप ये कार्य को ढाल लेते हैं। और फिर बताया लोहे जैसा तपते देखा, अगर ग्रीष्म ऋतु में जून जुलाई का महीना हो, कितनी तपत क्यों ना हो, अग्नि बरसती हो, लेकिन अपने आप को पसीने से लथपथप ये कार्य में सदैव क्या रहते हैं, लीन रहते हैं। तो यहाँ जो कवि है केदारनाथ अग्रवाल, इनकी श्रमिकों के प्रति जो मानवीय संवेदना व्यक्त हुई है यहाँ पे। और फिर बताया कि जो इस काव्य की दृष्टि से, इस काव्य की दृष्टि से सामाजिक क्रांति का जो वाहक है वो मुख्य रूप से कौन है, श्रमिक ही है। श्रमिक ही होते हैं जो तपते हैं गलते हैं और गोली की तरह चलते हैं। और कवि ने यहाँ मानवीय संवेदना या आस्था व्यक्त की है किसके प्रति, श्रमिकों के प्रति। तो ये जो सर्व शब्दों में शब्दावली में यहाँ पे केदारनाथ अग्रवाल ने ये रचना कही है कि मैंने उसको जब जब देखा तो लोहे जैसा देखा, लोहे क्या देखा, लोहा देखा, और लोहे जैसा देखा तपते देखा गलते देखा और डलते देखा, गोली जैसा चलते देखा। तो ये छोटी सी कविता के माध्यम से एक श्रमिक के जीवन कथा हमारे सामने केदारनाथ अग्रवाल जी ने प्रस्तुत की है। श्रमिकों को अपने आप से आलस्य को त्याग कर एक गोली की भांति स्फूर्तिमान अपने कार्य के प्रति लगन निष्ठा के साथ कार्य करते हैं। और फिर बताया कि सामाजिक क्रांति के जो वाहक है वो मुख्य कौन है, श्रमिक ही है। अपने आप को ढाल लेते हैं, गलते देखा गलते देखा, गलने का आशय यहाँ कवि जब अपने कार्य में लीन होता है, चाहे शरद ऋतु हो चाहे ग्रीष्म ऋतु, अपने आप को वहीं अपने आप को खपा देता है, अपने आप को समर्पित कर देता है, उसी में लीन कर देता है, हार नहीं मानता। क्योंकि कवि ने कहा गोली जैसा चलता देखा, वो गोली की भांति स्फूर्तिमान आलस्य से आक्रांत वो आगे ही आगे अपने निरंतर कार्य में चलते रहते हैं। यही उनके परिश्रम जीवन की गति और यति होती है। तो यहाँ पे हमने श्रमिकों के जो मानवीय संवेदनाएं हैं, क्रांति सामाजिक क्रांति का जो वाहक है वो कौन है, श्रमिक ही होते हैं। तो ये छोटी सी कविता के माध्यम से हमने केदारनाथ अग्रवाल ने बताया कि मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, लोहे जैसा देखा तपते देखा गलते देखा,
डलते देखा, मैंने उसको गोली जैसा चलते देखा। अब दूसरी इनकी जो कविता है उस पर चर्चा करें। दूसरी कविता है, यह धरती है उस किसान की, यह धरती है उस किसान की। ये इनकी दूसरी कविता है, ये धरती है उस किसान की। इस पे कवि ने बताया है इस कि जो धरती का असली स्वामी है वो किसान ही है। धरती का असली जो स्वामी है वो किसान है। किसान को ही माना है, कठिन परिश्रम से मेहनत करता है और अन्न पैदा करता है। समूचे देश का क्या करता है, भरण पोषण करता है। इसलिए जो इस धरती का स्वामी किसको माना जाए, उस किसान को ही माना जाए। यह धरती है उस किसान की, जो बैलों के कंधों पर बरसात धाम में जुआ भाग्य का रख देता। आगे देखो, खोर चाटती हुई वायु में खोर चाटती हुई वायु में पैनी खुशी खेत के भीतर। आगे देखो, भीतर दूर कलेजे तक ले जाकर जोत डालता है मिट्टी को। ये धरती है उस किसान की। फिर आगे आया, पांच डालकर और बीज फिर बो देता। एक बार इतना देखें कि ये धरती है उस किसान की, जो बेलों के कंधों पर बरसात धाम में जुआ भाग्य का रख देता। फोन चाटती हुई वायु में पैनी खुशी खेत के भीतर, दूर कलेजे तक ले जाकर जोत डालता है मिट्टी को, पांच डालकर और फिर बीज बो देता। तो कवि ने यहाँ पे बताया है कि धरती का जो असली स्वामी है वो कौन है, किसान है। किसान की यहाँ महिमा का गुणगान किया गया है। किसान अपने आप को, चाहे बारिश का मौसम हो चाहे शरद ऋतु का मौसम हो, कैसे ही सर्द कड़ाके की ठंड पड़ती हो, ग्रीष्म ऋतु में लू चलती हो जो खून को ही सुखा दे, लेकिन फिर भी पीछे नहीं हटता, गोली की भांति आगे ही आगे बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे किसान की महिमा का विख्यान करते हुए केदारनाथ अग्रवाल कहते हैं कि धरती का जो श्री स्वामी है वो कौन है, वो किसान ही है। तो इसी कवि कहते हैं आगे कि किसान की है ये धरती, किसान धरती का असली स्वामी कौन होगा, वो किसान ही है। क्योंकि बरसात और ग्रीष्म ऋतु में क्या करता है, बेलों के कंधों पर भाग्य रूपी क्या रख देता है, जुआ रख देता है। कि जैसे ही बारिश होती है या
शरद ऋतु होती है अपने बेलों को लेकर खेतों में जाता है और अन्न को अन्न उपजाने के लिए अपने कठोर परिश्रम करता है। तो उसी समय कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु होती है, लू चलती है, इतनी भयानक लू चलती है कि शरीर में व्याप्त रक्त को ही सुखा दे, लेकिन फिर अपने आप को पीछे हटता नहीं है और अपने वो दमता में लेके खेत के भीतर हल चलाता है। खेत में क्या चलाता है? हल चलाता है और हल की गहराई इतनी गहरी होती है कि कवि ने बताया है कि कलेजा ही चीर जाए। इनकी दशा देख के तो कवि ने यहाँ पे कि गहराई में वो क्या डालते हैं, बीज डालते हैं, जिससे फिर विषम चाहे मौसम हो कैसा ही हो अपनी धरती में पांच डालकर उर्वर बना देता है, बीज डालता है और सभी का क्या करता है, पालन पोषण करता है। यही बताया दो डालता मिट्टी को, पांच डालकर फिर बीज बो देता है। चाहे ग्रीष्म ऋतु हो चाहे शरद ऋतु हो, अपने आप को बोने की भांति उसमें डलता हुआ पाता है। तो किसान की यह महिमा का गुणगान करते हुए कठोर परिश्रम से धरती को जोतता है और बोता है, इसलिए धरती का जो असली स्वामी है वो कौन है? वो किसान ही है। कवि ने फिर बताया कि धरती का असली स्वामी कौन है, तो यहाँ बात आएगी कौन है, वो किसान ही है जो असली है। फिर क्या बताया, नए वर्ष नई फसल के ढेर अन्न का लग जाता, जैसे ही नव वर्ष आता है तो खेतों से जो उपजता अन्न है उसका क्या लग जाता है, ढेर लग जाता है। तो कवि ने बताया है कि यह धरती उस किसान की नहीं कृष्ण की, नहीं राम की, देखो नहीं कृष्ण की नहीं राम की यह धरती है उस किसान की। तो कवि ने यहाँ पे बताया है कि अब अनाज उपजाने के बाद में वो क्या होता है, उसी का स्वामित्व होता है। तो इस धरती राम जैसे अवतारी पुरुष, कृष्ण जैसे अवतारी पुरुष की ये धरती नहीं है, जिन्होंने अपने काल में जो अत्याचार को मिटाया था राम ने, श्री कृष्ण ने, तो उनकी भी ये धरती नहीं हुई। धरती का असली स्वामी कौन है? तो यहाँ कवि केदारनाथ कहते हैं कैसे स्वामी किसान है, तो ये धरती है उस किसान की। फिर बताया आगे कि राम श्री राम आए और यहाँ पे श्री कृष्ण आए, तो यहाँ जो भी अत्याचार हुआ उन अत्याचारों का क्या किया, उन्होंने विरोध किया, धरती पर सुराज्य स्थापित किया। तो फिर भी ये धरती किसकी नहीं हुई, श्री राम की और न श्री कृष्ण की, यह धरती तो किसान की है। कवि ने ये बताने का प्रयास किया है। फिर बताया कि नहीं भीम की, नहीं सहदेव नकुल की, नहीं तो जैसे ये महाभारत में आए हुए पात्र थे वीर पुरुष हुए हैं, ऐतिहासिक वीर पुरुष, जैसे भीम है, सहदेव नकुल और अर्जुन। फिर बताया है नहीं राम की, नहीं रंग की, क्या बताया, नहीं राव की, नहीं रंग की, कहते हैं नहीं तो ये राजा की है, नहीं गरीब की धरती है, ये धरती तो उस किसान की है। बताया आगे नहीं राव की, नहीं रंग की, नहीं तेग तलवार धर्म की, कि कोई तलवार के बल से इस धरती को हथिया ले उनकी भी नहीं है, और धर्म के नाम पर जो ठेकेदार बैठे हैं उनके भी ये धरती नहीं है। ये धरती का जो असली स्वामी है वो कौन है, किसान है। तो ये धरती केवल किसान की, ये धरती केवल किसान की। तो बताया ये धरती न तो श्री कृष्ण की है, न श्री राम की है, न नकुल की है, न सहदेव की है, नहीं राम की है, नहीं रंग की है। यहाँ तो ये जो धरती है ये ऐतिहासिक पुरुष अर्जुन, नकुल, सहदेव इनकी भी नहीं है, न राम की बताया। फिर बताया धर्म के जो पदाधिकारी है उनकी भी नहीं है, न तलवार के बल से जीती हुई
ये धरती किसी की हो सकती है, ये धरती है तो किसकी, उस किसान की है। तो ये हमने इस पर चर्चा की, ये धरती उस किसान की, केदारनाथ अग्रवाल की एक कविता है। गत एग्जाम में इस पर सहप्रसंग व्याख्या पूछी गई थी कि मैंने उसको जब जब देखा, इस पर सहप्रसंग व्याख्या पूछी गई थी, आसान थी। व्याख्या में हमें लेखक का नाम और कविता का नाम आना चाहिए जिससे अंकों में कटौती नहीं होगी। तो जैसे जैसे आपको यहाँ वीडियो के माध्यम से करवाए आ जाए उसी पर आप ध्यान दें। कहते ना जय गुरु जिड़केता मीठा लागे, अगर गुरु आपको कुछ कहता है तो आपका अच्छा लगना चाहिए। आपके भले के लिए कहते हैं, आप में नुक्स निकालने के लिए कहते हैं, तो आप कहना माने इसको अच्छी तरह से गहराई के साथ। केदारनाथ अग्रवाल की जो शेष बची हुई कविता है उसको अच्छी तरह से पढ़े। कल के वीडियो में फिर हम केदारनाथ अग्रवाल की शेष बची हुई जो इनकी पंक्ति है उस पर हम चर्चा करेंगे और फिर आगामी नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।